सो नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दी टी एम जे का रिलेशन, ठीक है? अब बात करते हैं टी एम जे की रिलेशंस की। इसकी बात करेंगे टी एम जे के रिलेशंस की बात करेंगे। तो इसके रिलेशन को देखने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि इसके आसपास की चीज़ें कैसी हैं। ओके, सो इसको पहले तो ब्लू से कर दिया जाए। ओके, उसके बाद है ना, हम दो डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और एक एनाटॉमिकल पोजीशंस के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो एक आर्टरी होती है। कौन सी आर्टरी? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसकी दो टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं, ठीक है? सपोज ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, इसके दो टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं। एक तो होता है सुपरफिशियल टेम्पोरल ब्रांच, ओके, और एक होता है मैक्सिलरी ब्रांच। तो ये कौन सी आर्टरी है? ये हो गई एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ओके, कौन सी आर्टरी हो गई? ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये उसकी ब्रांच हो गई, दैट इज सुपर फिशियल टेम्पोरल आर्टरी, और ये मैक्सिलरी आर्टरी। ओके, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए बड़ा बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर क्या होता है, इस मैक्सिलरी आर्टरी से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ब्रांच से एक ब्रांच निकलती है, जिसको हमने कहा क्या कहा इसे, मिडिल मेनिंजल आर्टरी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। यहाँ पर डॉट डॉट क्यों बनाया वो देखेंगे। ओके, और ये जो है ना वो फर्स्ट पार्ट से राइज होता है, मैक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से। ओके, और उसके बाद एक आर्टरी है जो कि सेकेंड पार्ट से राइज होती है। ये कौन सी आर्टरी है? ये है मेसेंट्रिक आर्टरी। ऐसा नहीं है कि मैक्सिलरी आर्टरी की फर्स्ट पार्ट से है ना सिर्फ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी ही आया, बहुत सारे और आए, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो रिलेशंस में काम आएंगे, वो उसको हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है? और इस डॉट डॉट का वजह क्या था, क्योंकि यहाँ पे अपने पास टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट लोकेटेड होगा। सो हियर हमारे पास क्या होगा, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो डॉट डॉट बनाने का मतलब क्या है, इसके पीछे है, पोस्टियर साइड है। तो अगर हम यहाँ पे एनाटॉमिकल पोजीशंस देखें, यहाँ के अगर एनाटॉमिकल पोजीशन देखें, तो ये अपने पास हम लोग कौन सा व्यू देख रहे हैं, लैटरल व्यू देख रहे हैं, ठीक है ना? तो ये एंटीरियर वाला साइड हो जाएगा, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर। तो जो मीडियल वाला होगा जस्ट इस प्लेन की, जिस प्लेन से आप देख रहे हो उसके पीछे होगा, और जिस प्लेन में आप, जिस प्लेन से ये स्क्रीन बाहर आ रही है, वो क्या होगा, लैटरल होगा, ठीक है ना? तो ये मीडियल साइड में क्या है अपने पास, मीडियल मेनिंजियल आर्टरी, इसीलिए इसको डॉट डॉट बनाया है, ठीक है? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम जो यह जो मेसेंट्रिक आर्टरी है, सॉरी, जो मैक्सिलरी आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, इसकी क्या कौन सी ब्रांचेस हैं, टर्मिनल ब्रांचेस। ओके, ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इनकी जो रिलेशंस है ना, अब इनके वाले हम रिलेशंस का एक बनाएंगे, एंटर पोस्टियर सुपीरियर इन्फीरियर और लेटरल और मिडिल वाला, उसमें हम देखेंगे कि कौन सी आर्टरी कहाँ पे है, ठीक है? तो ये हो गए आर्टरीज। तो अब देखते हैं इनकी रिलेशंस की, ठीक है, कि एंटीरियर साइड कौन है, पोस्टियर साइड कौन है, सुपीरियर साइड कौन है। तो ये सुपीरियर व्यू, सुपीरियर, यहाँ पे इन्फीरियर लिखेंगे, यहाँ पे पोस्टियर लिखेंगे, यहाँ पे एंट्रियर लिखेंगे,
और यहाँ पे मीडियल लिखूँगा, इसको मैं डॉट डॉट करके बना रहा हूँ, और यहाँ पे लेटरल लिखूँगा जिसको मैं थोड़ा सा ओके। सो यहाँ पे इसको हमको कवर करना है, ठीक है। सो देखो सुपीरियर सरफेस में क्या है, चलो इन्फीरियर से देखते चलते हैं। इन्फीरियर में सबसे पहले क्या है, इन्फीरियर अगर टी एम जे मतलब थायरो सॉरी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के नीचे देखें तो क्या है, अपने पास मैक्सिलरी आर्टरी है। सो जो मैक्सिलरी आर्टरी होगी वो मैक्सिलरी आर्टरी किस में आएगी, मैक्सिलरी आर्टरी जो होगी वो किस में आएगी, ये सुपीरियर रिलेशन में आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। सो यो अपने पास है ना, ये सुपीरियर रिलेशन में आएगी कि नहीं आएगी, सॉरी इन्फीरियर रिलेशन में आएगी कि नहीं आएगी, मैक्सिलरी आर्टरी बिल्कुल आएगी ओके। और यहाँ पे जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है वो किस में आएगी, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो होगी वो इसके कौन से रिलेशन में आएगी, ये अपने पास पोस्टर रिलेशन में आएगी, पोस्टर रिलेशन में। और हमारे पास फिर मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होगी, और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी दोनों में आएगी इसमें, अपने पास ये दोनों रिलेशन में आएगी, कौन कौन से रिलेशन में आएगी ये है ना, तो सुपीरियर मिडिल रिलेशन दोनों में आएगी, सुपीरियर एज वेल एज मिडिल रिलेशन दोनों में आएगी ओके। उसके बाद अपने पास यहाँ पे मेसेंट्रिक आर्टरी, इसके एंट्री रिलेशन में क्या आएगा, मेसेंट्रिक आर्टरी ओके। सो एंट्री रिलेशन में कौन आएगा, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के एंट्री रिलेशन में आएगा मेसेंट्रिक आर्टरी ओके। और ये जो मेसेंट्रिक आर्टरी यहाँ पे लिखा नहीं है, मेसेंट्रिक आर्टरी सेकेंड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी से ये डेवलप करता है ओके। तो यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले थे इन्फीरियर, ठीक है, इन्फीरियर रिलेशन में बात कर रहे थे। तो इन्फीरियर रिलेशन देखो कौन है अपने पास, इन्फीरियर रिलेशन कौन बना रहा है, इन्फीरियर रिलेशन अपने पास ये मैक्सिलरी आर्टरी बना रहा है। सो यहाँ पे एक आर्टरी है, इन्फीरियर रिलेशन में कौन है, एक आर्टरी है ओके। और कोई तो नहीं है ना, नहीं है। फिर इसके बाद देखते हैं इसके सुपीरियर रिलेशन की, ठीक है। सुपीरियर रिलेशन में क्या है, अपने पास एक आर्टरी है, सुपीरियर रिलेशन में अपने पास एक आर्टरी है, और जस्ट इसके ऊपर क्या होगा, मिडिल क्रैनियल फोसा होगा ओके। क्योंकि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है वो बीच में ही तो है ओके। तो इसके ऊपर है ना, वाजिब सी बात, इसके ऊपर क्या होना चाहिए था ना, मिडिल क्रैनियल फोसा होना चाहिए था, वो है भी ओके। सो सुपीरियर रिलेशन कौन बना रहा है, एक आर्टरी, वो आर्टरी कौन सी है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी और मिडिल क्रैनियल फोसा। ओके उसके बाद एंटीरियर साइड देखें तो यहाँ पे भी एक आर्टरी है, कौन सी आर्टरी है, मेसेंट्रिक आर्टरी। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, एक क्या है अपने पास, एक आर्टरी है, और आर्टरी के साथ यहाँ पे एक मसल होगी, कौन सी मसल होगी, लैटरल टेरिगॉइड ओके। इसको जरा देखने के लिए, इसको समझने के लिए कि लैटरल टेरिगॉइड क्यों है एंटीरियर साइड में, इसके लिए आप डायग्राम देख लो, लैटरल टेरिगॉइड का अटैचमेंट किस पे, मैंडिबल पे, या फिर टेम्पोमैंडिबल जॉइंट का डायग्राम देख लो, या फिर लेटरल टेरिकॉइड मसल का अटैचमेंट देख लो, तो आपको ये समझ आएगा क्यों लेटरल एंटीरियर साइड में क्यों है ओके। क्योंकि ये देखो जो लेटरल टेरिकॉइड होता है वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, टेरिकॉइड फोबिया के साथ ओके। टेरिकॉइड फोबिया और आर्टिकुलर डिस्क के साथ, ठीक है ना, आर्टिकुलर डिस्क की भी कौन सी मार्जिन, एंटीरियर मार्जिन ओके। तो इसीलिए तो क्या है अपने पास, लेटरल में जो चीजें हैं मतलब एंटीरियर साइड में तो चीजें, एक तो आर्टरी है कौन सी, मेसेंट्रिक आर्टरी और लेटरल टेरिकॉइड मसल ओके, किसके टीएमजे के एंटीरियर साइड में ओके। और इसकी लेटरल साइड सबसे आसान है, इसकी लेटरल में क्या होगी, इसकी लेटरल में होगी सबसे पहले तो स्किन होगी, स्किन, स्किन के बाद पैरोटिड ग्लैंड होगी, पैरोटिड ग्लैंड के बाद होगी यहाँ पे टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व ओके। तो ये चार स्ट्रक्चर कहाँ होगा, लेटरल साइड में होगा है ना। तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है फेशियल नर्व की ब्रांच अमीनर ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी, टेन जेब्रा बाइट माई कैट दैट इज टेम्पोरल जैगोमेटिक बकल मैं
मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल। तो उसमें से यहाँ पे टेम्पोरल ब्रांच है लेटरल साइड में, किसके? टीएमजे के। ओके ओके। उसके बाद चलते हैं किधर, मीडियल मीडियल रिलेशंस में, ठीक है। सो मीडियल साइड में क्या प्रेजेंट, यहाँ पे भी एक आर्टरी होगी। देखो मीडियल साइड में हमारे पास कौन सी है, मीडियल साइड में मिडिल मेनिंजियल आर्टरी तो है ही। सो मिडिल साइड में अपने पास एक आर्टरी तो होगी होगी। आर्टरी के बाद यहाँ पे क्या होगा, आर्टरी के बाद देखो यहाँ पोस्टियर साइड में देखना, पोस्टियर साइड को जरा मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाने के लिए पोस्टियर को यहाँ पे बनाता हूँ। ओके सो यहाँ पे देखना, पोस्टियर साइड में अपने पास क्या होगी, एक आर्टरी होगी। देखो पोस्टियर साइड में सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे भी एक आर्टरी होगी। उसके बाद यहाँ पे और क्या है, ओके तो यहाँ पे एक नर्व भी होगी। कौन सी नर्व होगी, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व होगी। कौन सी नर्व होगी, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। कैसे वो देखते हैं, इसके पोस्टियर साइड में ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व होगी। कैसे, देखो ये जो ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व है ना, वो किसकी ब्रांच है, इट इज़ दी ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। तो ये अगर मैंडिबुलर नर्व है, ऐसे अगर मैंडिबुलर नर्व रन कर रही है, तो ये जो मैंडिबुलर नर्व होती है ना, वो क्या करती है, एनसर्कल करती है किसको, यानी इसकी ब्रांचेस निकलती है। मैंडिबुलर नर्व हो गया, यानी इसकी दो ब्रांचेस होती हैं जो कि किसको एनसर्कल करती हैं, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी को, ठीक है ना। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी को एनसर्कल करती है और क्या बनाती हैं, ओके ये क्या बनाती हैं, टेम्पोरो सॉरी ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। ये क्या हो गया, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। इस नर्व को हम कहाँ पढ़ते हैं, ये नर्व सप्लाई में पढ़ते हैं किसकी, पैरोटिड ग्लैंड की, या फिर हम बोले ओटी गैंग्लियों की। ओटी गैंग्लियों कुछ नहीं है, वो नर्व सप्लाई है किसकी, पैरोटिड ग्लैंड की। तो यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारे पास मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। अब इस मैंडिबुलर नर्व की पोस्टीरियर डिवीजन से क्या निकलता है, पोस्टीरियर डिवीजन से निकलता है टेम्परो ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। और ये ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व किसको सप्लाई करती है, पैरोटिड ग्लैंड को, ठीक है। ओके तो हम बात कर रहे थे ना कि इसकी मीडियल साइड में क्या प्रेजेंट है, सॉरी पोस्टियर साइड में क्या प्रेजेंट है। इसके पोस्टियर साइड में देखो यहाँ पे टीएमजे के पोस्टियर साइड में क्या होगा, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व होगा कि नहीं होगा। ये जो ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व है, ये जो ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व है, उसके पोस्टियर साइड में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सो यहाँ पे इसके पोस्टियर साइड में ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व होगा। अब ये ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व जो होती है, किसकी ब्रांच होती है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ पोस्टियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ओके। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एनसर्कल करता है, एनसर्कल किसको करता है, एनसर्कल करता है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी को, मम्मा को, ओके। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा अपने को, ये देखो ये एनसर्कल तो कर रहा है ना, यहाँ पे ये पूरा एनसर्कल तो कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एनसर्कल ही तो कर रहा है ना, एक पार्ट ऊपर से जा रहा है, एक पार्ट नीचे से जा रहा है। तो ये एनसर्कल करता है किसको, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी को, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया इसका। और इसके बाद यहाँ पे टीएमजे के रिलेशन में बात करते हैं, मतलब टीएमजे को है ना, यहाँ पे जो ये है ना पोस्टर के टीएमजे वाला, वो बात हमने मीडियल में भी आएगा, ठीक है ना। तो टीएमजे दैट इज टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो है ना, उसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस से अलग कौन करता है, इसको अलग करता है पैरोटिड ग्लैंड, ओके। इसको अलग कौन करता है, पैरोटिड ग्लैंड। तो यहाँ पे जॉइंट के रेस्पेक्ट में एक तरह का बात आएगा, उसी तरह का जॉइंट के रेस्पेक्ट में बात यहाँ पे मीडियल रिलेशन में भी आएगा, क्योंकि मीडियल रिलेशन में एक अपने पास नर्व होती है कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व, और यहाँ पे मीडियल रिलेशन में इस एक लिगामेंट होता है जिसको हम पढ़ चुके हैं, स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। अगर वीडियो नहीं देखा जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्फिनो मैंडिबुलर लिगामेंट, ओके। तो ये स्फिनो मैंडिबुलर लिगामेंट है, वो कहाँ पाया जाता है, मीडियल साइड में, ठीक है। अब देखो इस स्फिनो मैंडिबुलर लिगामेंट का भी कौन सा पार्ट, अपर इंड, जो कि किससे अटैच होता है,
स्पाइन ऑफ स्पिनोइड बोन इससे अटैच होता है। तो एक आर्टरी हो जाएगी, मिडिल साइड में आर्टरी कौन सी है अपने पास, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी हो गई है ना, और उसके बाद यहाँ पे स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट हो गया, और क्या है अपने पास, ओके एक नर्व है, दो नर्व्स है, ओके यहाँ पे कितनी नर्व्स है, दो नर्व्स है यहाँ पे, दो नर्व्स है, एक तो है अपने पास कौन सी नर्व, एक तो है अपने पास यहाँ पे ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व तो होगी होगी, अरे होगी कॉडा टिम्पेनाई, कॉडा टिम्पेनाई नर्व, वो कॉडा टिम्पेनाई किसकी ब्रांच है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ओके। और उसके साथ यहाँ पे कि ये ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व तो होगी होगी मिडिल साइड में, ये देखो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व तो होगी होगी मिडिल साइड में, ओके। सो यहाँ पे ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है, कॉडा टिम्पेनाई नर्व है ना, दो नर्व है मिडिल रिलेशन में, दो नर्व्स हैं, एक लिगामेंट है और एक आर्टरी है। लिगामेंट कौन सी, स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, आर्टरी कौन सी है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होगी, ओके। सो ये हो गया अपने पास मिडिल रिलेशंस की बात हो गई, ओके। और यहाँ पे मिडिल में भी एक चीज़ छूट गई हमसे, मैंने बोला था ना जॉइंट जैसा कुछ भी यहाँ पे सिमिलर होगा पोस्टर मिडिल में, हाँ तो यहाँ पे भी सिमिलर होता है, वो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे जो जॉइंट है ना, यहाँ पे जो थाई टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है उसको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से एक स्ट्रक्चर अलग करता है, जो कि कौन सा स्ट्रक्चर है, टिम्पैनिक प्लेट, ओके। तो जो टिम्पैनिक प्लेट है वो क्या करता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को अलग करता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के साथ। ये कुछ उसी प्रकार का है जिस प्रकार का था हमने यहाँ पे देखा था पोस्टर रिलेशन में, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को है ना अलग करता है एक्सटर्नल मेटर से, कौन अलग करता है, पेरिटोनियल ग्लैंड अलग करता है, उसी प्रकार टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को अलग करता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, कौन अलग करता है, टिम्पैनिक प्लेट अलग करता है। तो ये हो गया अपने पास रिलेशंस ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट।